गुड मॉर्निंग एवरीवन, आवर स्कूल इज स्टार्टिंग ऑनलाइन क्लासेस एंड आई विल बी टेकिंग क्लासेस फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट एंड टुडे आई विल टीच यू लेसन फोर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. सो लेट्स स्टार्ट. पेज नंबर 46. अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ UIM विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस. यानी कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनका जन्म कब हुआ था? 14 मार्च 1879 को हुआ था. और ऐसा उनका कोई संकेत नहीं था कि वो आगे जाके कोई बहुत महान व्यक्ति बनेंगे, क्योंकि जब कोई तुरंत के तुरंत कोई भी पैदा होता है तो उसको क्या पता होता है कि भविष्य में हमको क्या बनना है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन इसके विपरीत, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रेक टू हर हिज हेड सीम मच टू लार्ज. लेकिन इसके अलावा उसकी जो माँ थी ना, उसको थोड़ा सनकी सा समझती थी उसको, जो अल्बर्ट आइंस्टीन था, क्योंकि उसका जो सिर था ना वो बहुत ज्यादा बड़ा था. जैसे सबका सिर होता है नॉर्मल रहता है, पर जो आइंस्टीन थे उनका सिर थोड़ा सा बड़ा था. एट द एज ऑफ 2½, यानी कि जब वो 2.5 साल के थे, आइंस्टीन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग. आइंस्टीन जब भी क्या होते, बात नहीं कर सकते थे. When he finally did learn to speak, जैसे ही उन्होंने बोलना सीखा, he uttered everything twice. सब चीजों को वो दो दो बार बोलते थे. जैसे हम बोलना है तो हम बोलेंगे, तो हर चीजों को वो क्या करते थे, दो दो बार रिपीट करते थे. Einstein did not know what to do with other children. उनको ये भी नहीं पता था कि मुझे दूसरे बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना है, कैसे रहना है. एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. और जो भी उसके साथ बच्चे खेलते थे, सब इसको बहुत ही बोर समझते थे, क्योंकि ये किसी से बात नहीं करता था. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. और जबकि और बच्चे जो थे वो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से खेलते रहते थे. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. इसके अलावा जो मैकेनिकल टॉयज रहते हैं, खिलौने रहते हैं, वो आइंस्टीन को बहुत ज्यादा पसंद थे. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, यानी कि जब से जब उसने अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर थी उसको देखा, ही इज सैड टू हैव सैड. उसने कहा, फाइन बट वेयर आर हर बीज. उसने कहा कि चलो ठीक है, उसकी जो नई बहन थी तो उसने कहा, लेकिन इसके बील्स कहाँ हैं, यानी कि जो वो चलेगी कैसे, तो इसके बील्स कहाँ हैं. आर हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट वॉट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर. अब उसके जो एक बार हेडमास्टर थे, तो उन्होंने आइंस्टीन के पापा को बुलाया और उनसे कहा कि अब जो आइंस्टीन है वो अपना प्रोफेशन चूज करेगा, क्या कौन सा प्रोफेशन चूज करेगा, बिकॉज ही सेल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि ये कभी भी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकता. आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6. जब आइंस्टीन जो थे ना वो 6 साल के थे, तब से ही उन्होंने वायलिन बजाना सीख लिया था. Because his mother wanted him to, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि जो आइंस्टीन है वो वायलिन बजाना सीखे. He later became a gifted amateur violinist, maintaining the skill throughout his life. इसके अलावा जो वायलिन बजाया जाता है ना, अपने प्ले किया जाता है, उसने इतना अच्छा बजा लेता था कि उसने क्या किया, थ्रू आउट अपनी लाइफ में हर बार वो वायलिन बजाता रहता था. But Albert Einstein was not a bad pupil. जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो एक बुरे छात्र स्टूडेंट नहीं थे. ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिच. वो हाई स्कूल पढ़ने के लिए गए. वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड. यानी कि जब वो 15 महीने के थे तब उनकी फैमिली मुनिच में जाके रहने लगी थी. एंड स्कोर गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. और सारे सब्जेक्ट में आइंस्टीन को अच्छे मार्क्स मिलते थे. आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन एंड ओपन क्लास विद हिज टीचर. लेकिन जो आइंस्टीन थे ना, उनको मतलब जो स्कूल का डिसिप्लिन था वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. जैसे आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, वैसे आइंस्टीन को भी अच्छा नहीं लगा था. एट द एज ऑफ 15, जब वो 15 साल के थे, आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिपल्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. यानी कि जब 15 साल के थे तो आइंस्टीन को ब्रीथ की प्रॉब्लम थी, यानी कि वो सांस लेने में उनको प्रॉब्लम आती थी, इसीलिए उन्होंने उस टाइम स्कूल को छोड़ दिया. द प्रीवियस ईयर, इसके पहले, अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव. अल्बर्ट जो थे, अल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे, उनको अल्बर्ट को अपने रिलेटिव्स के पास छोड़कर चले गए थे.
After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. यानी कि फिर आइंस्टीन जब अपने रिलेटिव के साथ रहे तो उनके साथ बहुत लंबा डिस्कशन हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं अपनी स्टडी को ऐसे ही खत्म नहीं करूँगा, मैं आगे भी स्टडी करूँगा और स्टडी यानी कि एजुकेशन के लिए वो स्विट्जरलैंड गए. आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स. अब जो आइंस्टीन थे वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करते थे, साथ ही साथ उनको फिजिक्स पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता था. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी अ यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच. यानी कि उन्होंने अपनी स्कूल खत्म करने के बाद वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए जो कहाँ थी, ज्यूरिच में. बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द बर्लस मुस्टेज. यानी कि इसके बाद क्या हुआ था, ऐसा नहीं था कि केवल उनको साइंस में ही इंटरेस्ट था, इसके अलावा उनको और भी चीज़ों में इंटरेस्ट था. ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट. इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे वहाँ पर उनकी एक साथी था जिसमें उन्हें क्या था, इंटरेस्ट था. मिलेवा मरीज, जिसका नाम था मिलेवा मरीज, whom he found to be a clever creature, जिसमें उन्होंने पाया कि बहुत ज़्यादा चतुर है. The young sir had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. यानी कि ये जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एक कोई यूनान करके भाषा जो होती है वहाँ सिखाई जाती है, तो ये जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो वुमेन रहती है ना, जो औरतें रहती है, वहाँ उनको डिग्री मिलती है. Einstein saw in her an elegance and philippines. यानी कि और जो जैसे अशिक्षित लोग रहते हैं जिनको पढ़ाया नहीं जाता है उनके अगेंस्ट में एक जो लड़की थी उसने आवाज उठाई थी. दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड द यूनिवर्सिटी विद हुम ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ओल्ड द कपल फेल इन लव. लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस रोड आइंस्टीन. हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट अवर वर्क ऑन रिलेटिवली टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. इसके अलावा आइंस्टीन जो था वहाँ एक लड़की के साथ उनकी जो भी मैरिज हुई हो, फिर उन्होंने कहा था कि मुझे साइंस पसंद है और तुम्हें भी बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, तो एक काम करेंगे अपन दोनों क्या करेंगे, मिलकर जब काम करेंगे मतलब पढ़ाई भी करेंगे और काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. आगे का अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में.